हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10, 9, 8, 7 सभी स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि आज का जो वीडियो कॉलिंग क्लास जो हो रहा है, ऑनलाइन क्लास, ये आपका आज लास्ट डेट है। उसके बाद जो है, अगर हालात सही रहा तो फिर जो है 1 तारीख से, यानी कि 1 जून से जो है फिर आप लोगों का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होगा। और इस बीच में जो है आप लोग नमाज़ वगैरह का अहतमाम कीजिए, है ना, रोज़ा रखिए, अपने लिए भी दुआ कीजिए, अपने सर लोग के लिए भी दुआ कीजिए, है ना, कि उनकी सेहत अच्छी रहे, और इन्जॉय भी कीजिए। तो आज जो है आप लोगों का ऑनलाइन क्लास जो है लास्ट क्लास है, और 1 तारीख यानी कि 1 जून से जो है फिर आप लोगों का क्लास स्टार्ट होगा। अगर हालात सही रही तो हो सकता है कि स्कूल खुल भी जाए। अगर स्कूल खुल जाएगा तो फिर जैसे क्लास चलता है वैसे ही चलेगा, और अगर नहीं खुला तो फिर 1 तारीख से जो है आप लोगों का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होगा। स्टूडेंट्स, क्लास 9 सब्जेक्ट बायोलॉजी, जिसका कि हम लोग आज सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। चैप्टर जो है आपका हेल्थ एंड डिजीज़ है, और इस चैप्टर में हम लोग पिछले क्लास में कुछ बात को जाने भी थे कि हेल्थ जो है ये अल्लाह ताला के तरफ से दिया हुआ एक नियामत है। और हम लोग जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत जो है वो हमारा सेहत ही है, इसलिए इंग्लिश में भी कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ। तो हेल्दी जो व्यक्ति होता है वो हेल्दी व्यक्ति किसको कहते हैं, यानी कि जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये हेल्थ के बारे में क्या कहता है। तो ये कहता है कि शरीर की वैसी स्थिति जिसमें जो है उस मनुष्य का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संपन्नता हो, यानी कि वो फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेल बीइंग हो, उसे ही हम लोग हेल्दी कहते हैं। न कि सिर्फ बॉडी में किसी डिजीज़ का न होना या किसी तरह का कोई पेन न होना, ये सेहत की निशानी नहीं है। सेहत जो है, यानी कि जो हेल्थ है, वो WHO के अनुसार क्या हुआ कि वह फिजिकली भी फिट हो, मेंटली भी फिट हो, और वो सोशली वेल बीइंग हो, यानी कि उसको समाज के लोग भी अच्छा कहते हों, तभी जा कर के वो जो है हेल्दी कहलाता है। और हम लोग पढ़े थे कि हेल्थ का जो है कुछ फंडामेंटल, गुड हेल्थ का जो है कुछ फंडामेंटल कंडीशंस भी था, है ना, फंडामेंटल कंडीशंस ऑफ गुड हेल्थ। यानी कि अच्छे सेहत के लिए जो है कुछ मूल शर्तें होती हैं। जैसे हम लोग पिछले घंटी में हम लोग पढ़े कि बैलेंस डाइट के बारे में पढ़े थे। पहला पॉइंट हम लोग क्या पढ़े थे, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट को हिंदी में जो है हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित आहार, यानी कि वैसा भोजन जिसमें हम लोग भोज्य पदार्थ के रूप में न्यूट्रिएंट्स मटेरियल को लेते हैं। जैसे न्यूट्रिएंट्स मटेरियल में जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर, यानी कि वाटर का भी आपको जो है मतलब कि क्वांटिटी जो लेना है वो बैलेंस क्वांटिटी लेना है, यानी कि 24 घंटे के अंदर में जो है कम से कम 4 से 5 लीटर पानी आपको पीना है। और जो भी भोजन खाते हैं थोड़ा ही खाएँ, लेकिन साफ सुथरा भोजन खाएं, स्वच्छ भोजन खाएं, गर्म भोजन खाएं, और जो है ताज़ा भोजन खाएं, ठीक है। और जो भोजन खाते हैं वो न्यूट्रिएंट्स मटेरियल होना चाहिए, जो भी खाएं, थोड़ा बहुत ही खाएं, जो भी खाएं अच्छा खाएं। और जब हम लोग बैलेंस डाइट लेते हैं तो वो हमारे बॉडी को जो है, ये आपको डिफिशेंसी डिजीज़ जो होता है मतलब उससे बचाता है हम लोगों को, और बहुत सारा जो बीमारी होता है वो बैलेंस डाइट की वजह से ही ख़त्म हो जाता है। और हम लोग जानते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन, यानी कि आप जैसा खाइएगा
वैसा ही बनिएगा, और जब जैसा खाइएगा तो वैसा मन बनेगा, यानी कि थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। आप जब फिर अच्छा खाइएगा तो आपकी सोच अच्छी होगी, जब सोच अच्छी होगी तो आप जाहिर सी बात है कि आप एक अच्छे इंसान हो जाइएगा। और अच्छा भोजन खाने से क्या होता है कि हमारा शरीर जो है बीमारियों से लड़ने की उसमें क्षमता हो जाती है। जैसे विटामिन्स एंड मिनरल्स जो है ये हमारे बॉडी को जो है बीमारियों से बचाता है ना, यानी कि प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज़। यानी कि बैलेंस डाइट जो है वैसे भोजन को कहते हैं जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स होता है, वैसे ही भोजन को हम लोग जो है बैलेंस डाइट कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाते हैं कि पर्सनल एंड डोमेस्टिक हाइजीन। पर्सनल एंड डोमेस्टिक हाइजीन, पर्सनल एंड डोमेस्टिक हाइजीन, पर्सनल एंड डोमेस्टिक जो हाइजीन है, हाइजीन का मतलब ये हो गया कि स्वास्थ्य, यानी कि आपका जो पर्सनल जो है मतलब कि आप कैसे रहते सहते हैं, है ना। तो इसके बारे में बताता है कि जो इसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत और घरेलू स्वास्थ्य। तो यहाँ पर कहता है कि व्यक्तिगत और घरेलू स्वास्थ्य, घरेलू स्तर पर स्वच्छता भी स्वस्थ रहने की मूल आवश्यक शर्तों में से एक है। स्वच्छता का मतलब हो गया कि हम लोग जो है अपने बॉडी की भी सफाई करें, है ना। सुबह जैसे उठते हैं तो फ्रेश हुए, फ्रेश होने के बाद ब्रश करते हैं, ब्रश होने के बाद जो है ब्रश करने के बाद जो है हम लोगों को चाहिए कि हम लोग गोसल करें, है ना, नहाएं। और नहाने में भी जो है सिर्फ बदन हाथ को ना साफ करें, पूरे बॉडी की अच्छे ढंग से जो है सफाई करें, और जो है जो भी कपड़ा है उसको हम लोग साफ़ सुथरा कपड़ा पहने। और कहता है कि सिर्फ कपड़ा ही ना पहने, अपने घरों की भी जो है सफाई करें, है ना। सुबह उठते हैं तो पहले बिस्तर को झाड़ दें, उसके बाद रूम में झाड़ू उड़ू दे दें, है ना, रूम की सफाई करें। तो ये जो है साफ़ सुथरा कपड़ा पहनना, स्नान करना चाहिए। यदि कपड़े साफ और शरीर स्वच्छ न हो तो इनकी गंदगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वृद्धि में सहायक होती है। ठीक है, तो कपड़ा भी साफ़ होना चाहिए, बॉडी भी साफ़ होना चाहिए, ताकि बॉडी से जो है स्वेट वगैरह निकलता है तो उससे जो है स्मेल बॉडी में आ जाता है, और गुसल कर लेने के बाद जो है आदमी जो है एकदम फ्रेश महसूस करता है। और जब फ्रेश महसूस करेगा तो जाहिर सी बात है कि उसको कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक नहीं होगा। तो कहता है कि गंदगी केवल दुर्गंध ही पैदा नहीं करती बल्कि यह शरीर को अस्वस्थ भी कर देती है, यानी कि अनहेल्दी भी कर देती है। तो यहाँ पर कहता है कि बल्कि प्रतिदिन सुबह एवं भोजन के बाद दांतों की सफाई नहीं करने से पायरिया नामक रोग हो जाता है। क्या कहा कि जैसे हम लोग सुबह उठते हैं तो ब्रश करना चाहिए, और हम लोग देखते हैं कि कोई भी पेस्ट जो होता है उस पेस्ट पे लिखा रहता है कि 12 आवर्स प्रोटेक्ट, यानी कि वो जो पेस्ट है वो आपको 12 घंटा ही प्रोटेक्ट करता है। इसलिए हम लोग को चाहिए कि रात में भी खाने के बाद जो है ब्रश करना चाहिए, ताकि दांत में किसी भी चीज़ का कोई मतलब जो चीज़ खाए हैं तो वो दांत में अगर फंसा रहेगा तो वो रात भर जो है दांत में रहेगा, वो जर्म्स के रिएक्शन करके जो है आपके दांत को ख़राब कर देगा, और जो है पायरिया होने का डर हो जाएगा, है ना। पायरिया हो सकता है, मसूरा में पस हो सकता है। तो इससे बचने के लिए जो है हम लोगों को दांतों की सफाई करनी चाहिए। दांत की ही सफाई नहीं करनी चाहिए, साथ में जो है ज़ुबान की भी सफाई करनी चाहिए, है ना। जीभिया वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए, और 24 घंटा में एक बार जो है कम से कम सुबह के वक्त जो है अपने ज़ुबान को भी साफ करना चाहिए। बढ़े हुए जो नाखून होते हैं उसको भी काटना, ठीक है। सप्ताह में कम से कम एक दिन जो है, जैसे मान लीजिए जुमा के दिन छुट्टी रहता है तो जुमा के दिन जो है सुबह में जो है गुसल करने से पहले अपने बढ़े हुए नाखून को काटना
चाहिए। और दूसरी बात यह है कि खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए। बहुत सारे लोग को देखिएगा कि खाना खाने के बाद जो है, खाना खाने से पहले जो है वो सिर्फ अपने दाएं हाथ को धोता है, जबकि तरीका यह है कि खाना खाने से पहले जो है आप दोनों हाथ को जो है, मतलब कि हैंड वॉश हो या साबुन हो, उससे आप धोएं। क्योंकि आप जो है जैसे खुला हाथ रहता है तो हम लोग जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में जो है करोड़ों की संख्या में जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो हमारे हाथ पे भी होता है। तो जब हम लोग भोजन खाएंगे, खाना खाएंगे, तो वो जो है वो बैक्टीरिया भी हमारे साथ जो है, भोजन के साथ जो है हमारे बॉडी में इन कर जाएगा। तो उससे बचने के लिए जो है हम लोग को चाहिए कि हाथ धो करके खाएं, और खाना खाने के बाद जो है फिर जो है साबुन से ही हाथ धो करके रखें। यानी कि खाना खाने के पहले भी साबुन से हाथ धोएं और खाना खाने के बाद भी साबुन से हाथ धोएं। अभी आप देख भी रहे होंगे कि सफाई पर कितना ध्यान दिया जा रहा है ना, और कहा जा रहा है कि सफाई, मतलब कि इस्लाम मज़हब में तो कहा गया कि सफाई जो है आधा ईमान है। तो अभी ये जो बीमारी है कोरोना वायरस से जो बीमारी फैल रहा है और ये तेज़ी से फैलता ही जा रहा है, तो इसके पीछे बताया गया कि आपको साफ़ सुथरा रहना है। यानी कि आपको बार बार हाथ धोना है, अपने बदन की सफाई करना है, साफ़ सुथरा कपड़ा पहनना है ना। तो ये जो है आपको बताया गया, और कहता है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो है घर की साफ़ सफाई भी ज़रूरी है। घर में जो है झाड़ू होना चाहिए, झाड़ू के बाद उसका जो है झाड़ू पोछा होना चाहिए। सप्ताह में जो है एक दिन जो है घरों की सफाई जो है आपको फिनाइल वगैरह से, डिटॉल वगैरह से जो है घर को साफ़ करना चाहिए, ताकि जो भी जर्म्स वगैरह रूम में हो वो साफ़ सुथरा हो जाए। बीच बीच में जो है सप्ताह 10 दिन पे जो है एक आध अगरबत्ती वगैरह भी जला देना चाहिए, ताकि घर में जो है खुशबू भी हो, है ना। और जब खुशबू होता है तो एक अच्छा एहसास भी होता है। तो कहता है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो है घरों का हवादार होना चाहिए, है ना, घरों में खिड़की होनी चाहिए। ऐसा नहीं होने पर घर जो है घर में जो है जर्म्स के पनपने का जो है खतरा बन जाता है। यह भी आवश्यक है कि अपने ही घर की सिर्फ सफाई करके नहीं रहनी चाहिए, है ना, अपने जो आस पड़ोस का जो घर है, यानी कि आपके जो पड़ोसी हैं, उसको भी कहिए कि पर्सनल और डोमेस्टिक हाइजीन के बारे में उसको बताइए कि आप भी साफ़ सुथरा रहिए, नहाइए धोइए, है ना, और अपने घरों की सफाई कीजिए। सिर्फ घर की ही, रूम की ही सफाई नहीं, अगर आपके अगल बगल में कहीं पर पानी जमा हो जाता है, गंदा पानी, तो उसके निकासी का भी रास्ता होना चाहिए। और जहाँ पर पानी जमा हो जाए तो वहाँ पर चाहिए कि बीच बीच में जो है 15 दिन एक महीना पर जो है ब्लीचिंग पाउडर, DDT पाउडर का जो है छिड़काव वगैरह करना चाहिए, ताकि वहाँ पर जो है मच्छर मक्खी का जमावड़ा ना हो। ताकि हम लोग जानते हैं कि मच्छर से बहुत सारा बीमारी हो जाता है, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण जो है मलेरिया हो जाता है ना, और आपको जो है डेंगू जो है वो भी एडिस मच्छर के काटने से ही होता है। तो कहता है कि जो दोनों जो है मलेरिया जो हुआ वो गंदे पानी की वजह से हो गया, और जो है डेंगू जो होता है, कहता है कि वो जो है साफ़ पानी से होता है। तो साफ़ पानी कैसा साफ़ पानी, जैसे कहीं मतलब अभी जैसे बारिश हो रही है, कोई डब्बा वब्बा रखा हुआ है, टीन उन है कहीं पर रखा हुआ, तो उसमें जो पानी पड़ा तो वो पानी उस डब्बे में जमा हो गया। तो वो डब्बा का जो पानी जमा हुआ बारिश के पानी से, वो तो गंदा नहीं है, लेकिन वो स्टोर्ड है। तो उस ढंग के पानी में जो है वो जो है आपको डेंगू वाला मच्छर, जिसको एडिस मच्छर कहते हैं, वो पनपता है। इसलिए जो है हम लोग अपने घर की सफाई के साथ साथ जो है अपने अगल बगल की भी सफाई करें, अपने बाड़ी झाड़ी की सफाई करें, है ना, दरवाजे की सफाई करें, और अपने पड़ोसी को भी कहें कि आप भी साफ़ सुथरा रहें। यानी कि ये जो पॉइंट हुआ कि पर्सनल एंड डोमेस्टिक हाइजीन, यानी कि अपनी भी सफाई करनी है और अपने घरों की, और ख़ास करके जो किचन होता है, किचन की भी सफाई सप्ताह में कम से कम एक दिन पूरे किचन की सफाई होनी चाहिए, है ना। जैसे किचन की भी सफाई के लिए क्या है कि जैसे किचन में इन करने से पहले जो है वो किचन भी हवादार होना चाहिए, उसमें जो है एग्जॉस्ट फैन लगा रहना चाहिए, है ना, ताकि कोई अगर उसमें कोई गैस वगैरह है तो वो जो है किचन से बाहर आ जाए। फिर खाना ना बनाने के बाद जो है फिर किचन को साफ़ सुथरा पोछ पाछ कर देना चाहिए, है ना, और जो है
फिर जो है वो एग्जॉस्ट फैन को ऑन कर देना चाहिए ताकि कोई भी गर्मी वगैरह है या कोई भी गैस वगैरह है उसमें वो बाहर निकल जाए। इससे क्या होगा कि आपके सेहत पे जो है उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अभी जो हम लोग ये सेकंड पॉइंट पर हैं, पर्सनल एंड डोमेस्टिक हाइजीन, ये आप लोग को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट जो हम लोग जो पढ़ेंगे उसका नाम है क्लीन फूड एंड वाटर। क्लीन फूड एंड वाटर, ये थर्ड पॉइंट है। क्लीन फूड एंड वाटर के बारे में जानिए कि रोग उत्पन्न करने वाले जीव एवं रसायन भोजन एवं ड्रिंकिंग वाटर के माध्यम से आसानी से हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। अतः स्वच्छ भोजन एवं जल का सेवन स्वास्थ्यकर जीवन के लिए अनिवार्य है। क्या कहा कि हम लोग जो भोजन खाते हैं तो भोजन खाने का तरीका ये है कि जितना ज़रूरत है घर में खाने की उतना ही खाना घर में बनना चाहिए, और सब लोगों के खाना खाने के बाद जो है देगची को उलट देना चाहिए, ना वो बासी बचेगा ना लोग उसको फिर दूसरे टाइम में खाएगा। तो होता क्या है कि स्टेल फूड जो होता है यानी कि जो बासी भोजन होता है उसी से बीमारी फैलने का डर होता है। और हमेशा जो है साफ़ सुथरा भोजन खाएँ, स्वच्छ भोजन खाएँ, यानी कि स्वच्छ भोजन का मतलब क्या कि ताज़ा सब्जी लाएँ, डेली सब्जी लाएँ, डेली बनाएँ, डेली खाएँ, उतना ही खाएँ जितना कि बनाएँ, यानी कि उसको बचा करके जो है बहुत सारे लोग जो है बहुत सारी औरतें क्या करती है कि वो एक ही टाइम में अपना सब्जी बना लेती है और अपने रेफ्रिजरेटर में रख करके जो है सुबह में बनाई तो दोपहर में भी वही सब्जी खा ली और रात में भी वही सब्जी खा ली। ऐसा नहीं कि सब्जी जो है उतना ही बनाए कि जो नाश्ता में ख़त्म हो जाए, फिर सब्जी बनाए, उसी सब्जी को दोपहर में बना लीजिए, फिर उसी सब्जी को रात में बना लीजिए, तो उसका जो है टेस्ट जो है आपको अलग मिलेगा। और भोजन के तो भोजन के बारे में क्या क्या है कि ताज़ा भोजन खाएँ, गर्म भोजन खाएँ, साफ़ सुथरा खाएँ और उतना ही भोजन बनाएँ जितना घर में ज़रूरत हो एक टाइम के लिए, फिर दूसरे टाइम में जो है भोजन को बनाएँ, फ्रेश भोजन खाएँ। और कहता है कि जल वाटर जो है, कहता है कि वाटर के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि वाटर जो है लाइफ है ना, और वाटर इज़ ए लाइफ, यानी कि जल ही जीवन है। और हम लोग जानते हैं कि वाटर के वजह से ही जो है लगभग 70% डिजीज़ जो है हम लोगों को हो जाता है। जैसे एक डिजीज़ बहुत कॉमनली हो जाता है जिसको हम लोग जॉन्डिस के नाम से जानते हैं, और इसलिए जो है हम लोगों को पानी जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा स्वच्छ पानी पीना चाहिए, है ना। और बताए थे कि पानी जो है स्वच्छ करने का तरीका ये है कि पानी को बॉयल कर दें, बॉयल करके जो है उसको तांबे के बर्तन में रख दें, चाहे वो तांबे का जग हो, तांबे का कोई भी पॉट हो, उसमें जो है उसको स्टोर करके रखें और जब जब पानी पीने की ज़रूरत हो तो आप पानी उसे निकाल करके पिएं। उससे क्या होगा कि जो आप पानी को जो बॉयल किए तो बॉयल करने से क्या हुआ कि उसके अंदर में जो जर्म था वो किल हो गया, और लेकिन जो आयरन पानी में था वो तो ख़त्म नहीं हुआ। तो वो ख़त्म कब होगा, जब उसको हम लोग कॉपर के तांबे के पॉट में जो है रख देते हैं, चाहे वो आप गिलास में जमा कर लीजिए, चाहे वो जग में जमा कर लीजिए, आजकल तांबे का जग भी मिलता है, खूबसूरत खूबसूरत जग सब मिलता है, या घरों में जो है बहुत सारा बर्तन होता है उसमें पानी को हम लोग स्टोर कर लेते हैं, तो उसकी क्वालिटी ये होती है कि वो जो है आयरन को टान लेता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो है मतलब कि बॉडी में आयरन हमारे कम जाएगा और जो है हम जो है स्वस्थ रहेंगे। तो पानी जो है आजकल जो है बहुत सारे लोग जो है वो सप्लाई वाला पानी पीते हैं, तो सप्लाई वाला पानी जो होता है उसमें जो उसको जो क्लीन करता है पानी को फिल्टर्ड करता है वो ब्लीचिंग पाउडर से करता है ना। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला जो होता है वो केमिस्ट्री के फॉर्मूला के हिसाब से जो है CaOCl2 होता है ना, इसको ऐसे भी लिखते हैं तो ये जो है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है CaOCl2। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं जब ये टूटेगा तो CaO+Cl2 में टूट गया,
तो ये जो चूना है और ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन तो जर्म को मार दिया और ये जो चूना है ये पानी को साफ किया। तो कहता है कि बहुत ज़्यादा जब पानी जो है आप उस तरह का पीने लगेगा तो जो चूना है वो आपके बॉडी में इन करने लगेगा। तो ये चूना जो है पानी को साफ करते करते जो है कहीं आपके इंटेस्टाइन वगैरह को भी साफ न कर दे, स्टोमेक को भी साफ न कर दे, तो हो सकता है कि और दूसरा बीमारी इससे हो जाए। तो वैसे पानी जो जो मार्केट में जो ड्राम में लेके घूमता है वैसे पानी से जो है परहेज करना चाहिए। या घर में जो है अगर आपको फिल्टर्ड पानी पीना है तो प्यूरिट वगैरह हिंदुस्तान लीवर कहता है उसमें अपने घर का ही पानी रखिए, वो छन करके जो है नीचे वाला पॉट में आ जाता है, उस पानी को पी सकते हैं। या आजकल जो है वो इलेक्ट्रिक से जो है साफ़ होता है पानी एक्वा गार्ड से, तो एक्वा गार्ड वाला पानी भी आप पी सकते हैं। और सबसे बेहतर है कि वो सब में भी जो है क्लोरीन का ही पॉट रहता है, तो कहीं ना कहीं वो नुकसान तो करता ही है, लेकिन सबसे बेहतर है कि पानी को जो है बॉयल करके और तांबे के बर्तन में उसको रखा जाए और उस पानी को पिया जाए, तो वो पानी जो है जर्म लेस भी है, आयरन लेस भी है और किसी तरह का कोई कॉस्टिंग भी आपको नहीं आया, आपके पॉकेट पर उसका कोई असर भी नहीं हुआ और हम लोग जो है स्वच्छ जल को ग्रहण भी किए। कहता है कि बाज़ार से लाई गई सब्जियां एवं फलों की सतह पर अक्सर सूक्ष्म जीव, कीट, कृमि तथा कृमि के अंडे तथा इनके अलावा हानिकारक रसायन यानी कि इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स आदि लगे रहते हैं, अतः इन्हें अच्छी तरह धोकर ही उनका सेवन करना चाहिए। पके हुए भोजन को साफ सुथरे एवं ढके हुए बर्तन में रखना चाहिए, मिलावट वाले खाद्य पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ पर कहा कि जो बाज़ार से जो हम लोग सब्ज़ी लाते हैं या जो भी फल वगैरह लाते हैं उसको जो है पहले डायरेक्ट न खा लें, उसको अच्छी तरह से धोएं। और जो भी सब्ज़ी वगैरह लाते हैं तो सब्ज़ी को बनाने से पहले जो है, काटने से पहले जो है उसको जो है एक छोटा सा पॉट में जितना सब्ज़ी आपको खाना है, काटना है, बनाना है, उसको जो है पहले पानी में आधा घंटा छोड़ दें ताकि उस पर जो है किसी भी तरह का कोई पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स या किसी भी तरह का केमिकल्स वगैरह का जो छिड़काव किया गया है वो पानी में घुल जाए। यानी कि हम लोग जानते हैं कि वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, पानी सबको घुला देता है, तो पानी में डाल देने से क्या होगा कि उसका जो भी केमिकल्स वगैरह उसके ऊपर में है या जो भी जर्म्स वगैरह है वो साफ हो जाएगा और काटने उठने से पहले जो है उसको खूब अच्छे ढंग से हाथ से रगड़ रगड़ के साफ कर देना चाहिए, तभी बाद में उसको हम लोग को यूज़ करना चाहिए। और फिर हम लोग जो है जल में भी जो है रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, इसलिए शुद्ध पेय जल उपलब्ध न हो तो पानी को उबाल कर पीना सबसे बेहतर उपाय है, है ना। अगर आपके पास एक्वा नहीं है, प्यूरिट नहीं है, तो सबसे बेहतर उपाय यहाँ पर साइंस बताता है कि पानी को जो है आप बॉयल करके तांबे के जग में, देगची में रख दें और उसी पानी को हम लोग पिएं, ये जो है सबसे अच्छा उपाय है। इसमें जो है आपके पॉकेट पर उसका कोई असर भी नहीं पड़ता है, इससे रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया जो है नष्ट हो जाते हैं। स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध और स्वच्छ पेयजल का सेवन अत्यंत आवश्यक है। यानी कि हम लोगों को अगर हेल्दी रहना है तो हम लोगों को सबसे पहला कंडीशन ये हो गया कि हम लोग को साफ़ सुथरा भोजन खाना है और जो है स्वच्छ जल ही लेना है। और हम लोग जानते हैं कि जल ही जीवन है, जल के कारण जो है 70% डिजीज़ हम लोग के बॉडी में हो जाता है। तो हम लोग को चाहिए कि हम लोग क्लीन फूड एंड वाटर का सेवन करें। अगला पॉइंट है प्योर एंड क्लीन एयर, चौथा नंबर है प्योर एंड क्लीन एयर, इसका हिंदी हुआ शुद्ध और स्वच्छ हवा, शुद्ध और स्वच्छ हवा। तो इसके बारे में सुनिए क्या है कि शुद्ध एवं स्वच्छ वायु अच्छे स्वास्थ्य की प्राथमिक आवश्यकताओं में से एक है। प्रदूषित वायु यानी कि पोल्यूटेड एयर में सांस लेने से रिस्पायरेटरी से संबंधित जो डिजीज होता है, जैसे आपको दमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, दमा को इंग्लिश में अस्थमा कहते हैं, उत्पन्न हो जाती है, यानी कि दमा हो गया, ब्रोंकाइटिस उत्पन्न हो जाता है। स्वच्छ वायु के लिए घर पर्याप्त हवादार होना चाहिए, रसोई में चिमनी या एग्जॉस्ट फैन का प्रयोग करना चाहिए। अगर कोई परिवार रसोई गैस
में एलपीजी स्टोव का प्रयोग नहीं कर सकता है तो उसे धुआं रहित चूल्हों का भी उपयोग करना चाहिए। वाहन एवं उद्योगों द्वारा निकलने वाली हानिकारक गैसों के नियंत्रण पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि वायु प्रदूषण ना हो सके। इसका क्या क्या बोला कि हम लोगों को जो है स्वस्थ रहने के लिए जो है एक कंडीशन ये बताया कि हम लोगों को जो है शुद्ध और स्वच्छ वायु चाहिए। तो इसके लिए क्या है कि अगर हम लोग पोल्यूटेड वाले एरिया में रहते हैं, ज़्यादा पोल्यूशन, जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है, जैसे मान लीजिए मेट्रो सिटीज़ वगैरह, जैसे बम्बई हो गया, कलकत्ता हो गया, तो इन लोग की सब शहर की आबादी जो है करोड़ों में है लगभग, और जितना आदमी वहाँ रहता है उससे बेसी आदमी जो है डेली आता और जाता है, तो कम्युनिकेशन वहाँ पर बहुत फास्ट है, तो उससे क्या होता है कि पोल्यूशन बहुत तेज़ी से वहाँ फैलता है, यानी कि वहाँ का एयर जो है वो काफ़ी पोल्यूटेड है, और उस हवा को जब हम लोग लेते हैं तो हम लोग जो है पोल्यूटेड एयर को भी लेते हैं। तो जैसे मान लें कि हम लोग घरों में एलपीजी वगैरह इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिस घर में, तो वहाँ पर जो है लकड़ी वगैरह जलता है, कोयला जलता है, तो वैसे चूल्हा में जो है एक पाइप लगा करके छत के ऊपर जो है उसको ले जाया जाता है, यानी कि धुआं रहित बनाने के लिए, ताकि किचन में जो है वो धुआं ना फैले, क्योंकि किचन में अगर धुआं उत्पन्न होता है लकड़ी के जलने से या कोयला के जलने से, तो सबसे ज़्यादा जो है किचन में बच्चा इफेक्टेड होता है। अब बच्चा कैसे इफेक्टेड हो गया, तो बच्चा तो जो छोटा बच्चा जो होता है वो तो माँ के गोद में होता है, तो माँ जब किचन में जाएगी खाना बनाएगी तो जाहिर सी बात है वो धुआं जब निकलेगा तो छोटा बच्चा है उसका सारा ऑर्गेन जो है कमज़ोर है, तो बच्चा जो है उसे ज़्यादा इफेक्टेड हो जाता है। इसलिए जो है बच्चों को और घर की जो औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, उसको बचाने के लिए जो है हम लोग जो है किचन में जो है धुआं रहित चूल्हा बनाना चाहिए, और किचन में जो है एग्जॉस्ट फैन वगैरह लगाना चाहिए, ताकि किसी भी तरह का कोई भी जो है पॉल्यूशन हमारे किचन में ना हो, और घर जो है बिल्कुल हवादार होना चाहिए, है ना। और सबसे अच्छा उपाय है कि हम लोगों को क्लीन एंड फ्रेश वाटर, मतलब कि फ्रेश एयर लेने के लिए जो है सबसे अच्छा है कि जैसे हम लोग फजर का नमाज़ पढ़ते हैं सुबह में, तो सुबह का नमाज़ पढ़ने के बाद जो है सुबह का वातावरण बहुत साफ़ सुथरा होता है, तो आधा घंटा पौन घंटा जो है कम से कम हम लोग को मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। मॉर्निंग वॉक करने से क्या हुआ कि सुबह में जो है आपको बिल्कुल फ्रेश एयर जो है फ्रेश भी मिला और प्योर मतलब कि एयर भी मिला। ये जो हम लोग सुबह में जो ले लिए, इससे हम लोग क्या हुआ कि हमारा बॉडी जो है एकदम तरोताज़ा हो गया और हमारा बॉडी जो है किसी भी डिजीज से जो है बच जाता है। तो ये जो है प्योर एंड क्लीन एयर हुआ। अगला पॉइंट जो है एक्सरसाइज एंड रिलैक्सेशन है। एक्सरसाइज एंड रिलैक्सेशन यानी कि हम लोगों को जो है पर डे जो है अपने बॉडी को फिट रखने के लिए जो है, जैसे अभी हम बताए कि मॉर्निंग वॉक करते हैं, मॉर्निंग वॉक करने के बाद अपने घर में आ जाते हैं, घर में आकर के जो है कुछ मतलब योग कर लीजिए, कुछ मेडिटेशन कर लीजिए, कुछ जो है एक्सरसाइज वगैरह कर लीजिए, है ना। तो एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि हमारा बॉडी जो है एकदम बिल्कुल फिट एंड फाइन रहता है, और हम लोग का जो शरीर है वो एक्सरसाइज करने से, मेडिटेशन करने से, योग करने से बिल्कुल फिट एंड फाइन रहता है, और हम लोग बीमारियों से कोसों दूर रहते हैं। इसलिए हम लोग को चाहिए कि जो है एक्सरसाइज करना चाहिए। लेकिन जैसे मान लें किसी को कोई बीमारी अगर है, कोई डिजीज़ है, तो वो डॉक्टर के सलाह से ही एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, है ना। और जैसे मतलब कि स्टूडेंट वगैरह है तो उसको जो है खेलना, जैसे क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, जैसे लड़की है तो बैडमिंटन वगैरह खेलना, है ना, कुश्ती खेलना, कबड्डी खेलना, साइकिल चलाना, ये सब जो है एक एक्सरसाइज है। और सबसे अच्छा एक्सरसाइज क्या हो गया कि सुबह में जो है टहलना, जिसको सुबह में टाइम नहीं मिलता है वो शाम में भी टहल सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर कहा कि आपको जो है एक्सरसाइज करना है, एक्सरसाइज करने से क्या होगा कि हमारा बॉडी जो है फिट एंड फाइन रहता है। तो लास्ट में जो है एक और टॉपिक है, नो एडिक्शन।
नो एडिक्शन, यानी कि हम लोगों को किसी भी तरह का नशे का आदि नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज़ का आदत अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। जैसे हम लोग मान लें कि चाय पीते हैं, तो चाय जो है हम लोग पीते हैं मूड फ्रेश करने के लिए, यानी कि चाय भी पीना है तो एकाध टाइम जो है आप चाय पी सकते हैं, लेकिन अगर उसी को जो है हम लोग अगर आदत बना लेते हैं चाय पीने का, भर दिन में 10-15 चाय पीते हैं, तो आप एडिक्टेड हो गए, टी के एडिक्टेड हो गए। बहुत सारा लोग जो है स्मोकिंग करता है, तो बहुत सारा लोग जो है पान खाता है, बहुत सारा लोग गुटखा खाता है, तो ये सब जो है एडिक्शन में आता है। बहुत आजकल जो है बहुत तेज़ी से जो है एक नशे का चलन है, वो कोरेक्स वगैरह लोग जो है बहुत ज़्यादा पीने लगा, तो ये जो है हमारे समाज को जो है खोखला कर रहा है। और हम लोग जानते हैं कि ये जो कोरेक्स वगैरह है ये नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, यानी कि हमारे सोचने समझने की शक्ति को जो है नष्ट कर देता है। इसलिए जो है हम लोगों को चाहिए कि किसी भी तरह के नशा से दूर रहना चाहिए। और जब ये हम लोग नशा करते हैं तो जैसे बहुत सारे जैसे शराब पीना मानसिक एवं शारीरिक चुस्ती को कम करती है, और ज़्यादा शराब का सेवन करने से हमारा जो है नर्वस सिस्टम और लीवर जो है डैमेज हो जाता है। स्मोकिंग करने से जो है हमारे बॉडी में जो है बहुत सारा रिस्पिरेटरी डिजीज़ हो जाता है, हार्ट डिजीज़ हो जाता है, और कैंसर जैसी भयानक रोग भी होती है। जैसे खास करके तंबाकू खाने वाले को, बीड़ी सिगरेट पीने वाले को जो है कैंसर डिजीज़ हो जाता है। तंबाकू चबाना मुंह का कैंसर और दांतों की समस्या को पैदा करती है, यानी कि मादक द्रव्य जैसे हीरोइन कोकीन हशीश नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है। अतः जीवन यापन के लिए किसी भी एडिक्शन से दूर रहना चाहिए, और अल्लाह ताला से दुआ भी करना चाहिए कि अपनी भी और अपने घर वालों के भी जो है इस एडिक्शन से जो है ऊपर वाला जो है हिफाजत फरमाए, है ना, और ताकि जिस घर में ये नशा आ जाता है वो घर जो है बर्बाद होने में उसको समय नहीं लगता है। अच्छा अच्छा घर जो है बर्बाद हो गया नशे के कारण। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि अपने भी सुरक्षित रहें और लोगों के लिए भी दुआ करें कि वह भी जो है किसी भी तरह का नशे का आदि न हो। और जो है आज जो है हम लोग ये जो है हेल्थ, गुड हेल्थ के बारे में जो है पढ़ें, और आज आपका ये लास्ट क्लास था। अब हम लोग जो है अगर हालात सही रहा तो 1 तारीख से जो है, यानी कि 1 जून से जो है आपका फिर ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होगा।